ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ
Yeah.
जी महाराज के श्री चरणों में अपनी दिल रूपी ज्योति समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इसी ज्योति के माध्यम से सृष्टि की संरचना हुई है और दिल रूपी ज्योति जिस किसी ने भी अपने इष्ट देव के साथ लगाई है तो उन्होंने हर पल उन सब का कल्याण किया है, तो उन सब की कीर्ति का व्याख्यान करते हुए भक्तजन किस प्रकार से उनके श्री चरणों में अपने मन के भाव रखते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। ये अखंड ज्योत है तेरी चरणों में इसे स्वीकारो, इस ज्योति को ले कर बाबा हमें भव सागर से तारो। Thank you.
महाराज की जय। उलगाटे वाले भक्तजन, सबसे पहले गुरु श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, कीर्तन के अंदर भक्तों ने आपके लिए आसन लगाया हुआ है, आप कृपा करके अपने आसन पर विराजमान हो ताकि भक्तजन आपके साथ मिलकर सभी देवी देवताओं की स्तुति हो। तो भक्तजन किस प्रकार से गुरु श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं? बोलो श्री गुरुदेव महाराज। ये बात बड़ा क्यों बोल रहे किस विषय में? सबसे पहले गुरु हमारे, चल के यहाँ पे आओ, तेरे बिना हमारा आसन सुना, इसको आन सजाओ। सबसे पहले गुरु हमारे, चल के यहाँ पे आओ। सबसे पहले गुरु हमारे, चल के यहाँ पे आओ। तेरे बिना हमारा आसन सुना, इसको आने सजाओ। सबसे पहले गुरु हमारे, चल के यहाँ पे आओ। तेरे बिना इस कीर्तन के मैं पूरा गोरिया मेरा, तेरे बिना इस कीर्तन के मैं पूरा गोरिया मेरा। चारों तरफ न
प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने तो यह जीवन वैसे ही व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया है। आप कृपा करके हमें मार्ग देकर इस जीवन को आप सफल बनाएं। तो किस प्रकार से भक्तजन श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में अर्ज पेश करते हैं? बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। वो लाल मोटे वाले की जय। Yeah.
कोई न सहारा बिना तेरे,
सूत्रात महाराज की जय। तो भक्तजन श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपको कैसे प्राप्त करें? आपको रिझाने के लिए, आपको मनाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो किस प्रकार से भक्तजन उनके शरीर चरणों में इतिहास की बात दोहराते हुए उनको उनकी शक्ति के बारे में बतलाते हैं और उनको हर पल कहते हैं, प्रभु आपको मैं कौन कौन सी बात याद दिलवाऊं कि आपने कौन कौन से बड़े कार्य किए हैं? तो भक्तजन किस प्रकार से उनके श्री चरणों में बैठकर उनकी कीर्ति का वर्णन करते हैं? बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। घाटे वाले मुझे बता दे कैसे तुझको पाऊं मैं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं, मैं कैसे तुझे रिझाऊं मैं? घाटे वाले मुझे बता दे कैसे तुझको पाऊं मैं, कुछ भी तो मेरे पास Yeah.
तो भजन श्री संकट मोचन हरि भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करते हैं कि वो कितने दयालु है, उनको इस बात की परवाह नहीं है। भाई ऐसे तो कुबती पति मजा नहीं आ रहा, ये समस्या ही बात गुरु। तो भक्तन किस प्रकार से श्री संकट मोचन हरि भगवान की लीला का व्याख्यान करते हैं कि वो बड़े दयालु है, वो इस बात का इंतजार नहीं करते कोई मंदिर में आके शीश झुकाएगा तो उनका बेड़ा पार करना है। उनकी अनोखी लीला है। और भक्तजन किस प्रकार से कब दिल और आत्मा से उनको ध्याते हैं और वो कैसे बेड़ा पार कर देते हैं, इन भाव को कीर्तन के माध्यम से भक्तजन कैसे बताना चाहते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। किसको पार लगाया पता नहीं कब किस मोके पर किसको पार लगाया, पता नहीं बाबा की माया का ना भेद किसे है पाया, पता नहीं कब किस मोके पर किसको पार लगाया, I'm not afraid.
Thank you.
खाली मारी भरना Thank you.
माफ करके सुखा करो सवेरा है बाबा। श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में अपने मन के भाव रखते हैं कि हे प्रभु, आपके ऊपर जिसकी कृपा होगी उनकी झोली आप भर देते हैं, और जब आप सबकी झोली भर देते हैं तो हमारी झोली तो अपने आप ही भर जाएगी। इस प्रकार से भक्तजन इस प्रकार के भाव श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कैसे रखते हैं? ओ बाबा जी, थारी कृपा ते हमारी बिगड़ी बात सवर जाई, सब भगता की जोड़ी भर दे मेरी दया पे भर Yeah.
श्री बालाजी महाराज की जय।